सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों मैथमेटिकल रीजनिंग में वैसे तो बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आपको वो क्वेश्चन जरूर करवाएं जो यूजीसी नेट के अंदर बार बार आते हैं या कभी ना कभी आए हैं और उनमें से कभी संभावना बनती है दोस्तों वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ और ऐसे टाइप्स लेके आए हैं जो यूजीसी नेट के अंदर आए हैं और जो हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी जो हमारा न्यू सिलेबस आया है दोस्तों UGC नेट पेपर फर्स्ट के लिए, तो उसके अंदर एक और टॉपिक नया ऐड हुआ है मैथमेटिकल रीजनिंग में, साधारण ब्याज, मूलधन और मिश्र धन वगैरह के बारे में ये टॉपिक ऐड हुआ है। इसमें से 2019 में क्वेश्चन आए हैं, एक दो पहले इसमें से क्वेश्चन नहीं आए, तो संभावना है कि आगे जो एग्ज़ाम हो हमारा दिसंबर का उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे। इसमें देखिए दोस्तों, वैसे तो हमने जो हमारी पिछली क्लासेस होती थी 10वीं क्लास में हमने पढ़ाया, 8वीं क्लास में पढ़ाया, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, वही कॉन्सेप्ट है हमारा, लेकिन अब थोड़ा सा हमें इसे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है और साधारण ब्याज, मूलधन वगैरह क्या होते हैं ये देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन वो होता है दोस्तों जो हमारी शुरू की जो कॉस्ट होती है, जो पैसे हम किसी से लेते हैं, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसे हम कहते हैं मूलधन कहते हैं। दर कहते हैं यानी कि जो रेट होता है, यानी कि 2% सैकड़ा ब्याज लिया है, 10% लिया है, जितने प्रतिशत भी लिया हुआ होता है उसे हम कहते हैं रेट या दर कहते हैं। फिर समय, यानी कि कितने टाइम के लिए हमने ब्याज लिया है, तो वो होता है। और उसके बाद में जैसे कि हम बात करते हैं कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इसका है दोस्तों मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। और ये हमने जो पिछली क्लासेस होती थी 10वीं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद में आता है दोस्तों, अगर हमारे पास दर निकालनी हो, दर नहीं दी हुई, ब्याज मूलधन समय दिया हुआ हो, तो दर कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला ये है दोस्तों, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय, तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, अगर हमारे पास समय ना दिया हुआ हो और मूलधन दिया हुआ हो, दर ब्याज दी हुई हो, तो इसका फॉर्मूला ये है, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में दर। और उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट आता है वो है दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला वो ये है दोस्तों, मूलधन इंटू में 1+ में दर बटे में 100, ये इसका फॉर्मूला है। और इसकी जो पावर है दोस्तों वो होगी समय होगी, और उसमें से फिर जो मूलधन हमारा है वो हम माइनस कर देंगे। और एक और चीज़ इसके अंदर आती है दोस्तों, वो है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस में मूलधन का जोड़ होता है। तो दोस्तों ये बेसिक फॉर्मूले है, आप एक बार इन सभी को देख लेना, याद कर लेना जैसे तैसे करके, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है दोस्तों। अब इसमें ये देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। सालाना 12% की दर से एक निश्चित राशि को दोगुना होने में कितना समय लगेगा? ये कह रहा है कि हमारे पास कोई राशि है और उस पर 12% का ब्याज लगाते हैं, तो उसे दोगुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे राशि है वो नहीं दी हुई, वो हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। अब हम मान के चलते हैं कि हमने मान लिया कि जो मूलधन है हमारा वो हमने मान लिया दोस्तों 200 हमने मान लिया, और जो दर है दोस्तों, दर कितनी है यहाँ पे 12%, ये दोस्तों माना है दोस्तों, ये एज्यूम किया है हमने। और अब देखिए इसके अंदर क्या पूछा हुआ, टाइम हमें निकालना है, समय यहाँ पे हमें निकालना है।
और जो ब्याज है दोस्तों, ब्याज क्या होगा, अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे इसने कहा है कि एक निश्चित राशि को दोगुना होने में, यानी कि वो दोगुना हो जाते हैं कुछ टाइम बाद में, कितनी हो जाती है, दोगुना हो जाती है। तो यहाँ पे हम 200 का दोगुना कितना होगा दोस्तों, 400 होगा। तो ब्याज कितना होगा दोस्तों, ब्याज जो है इंटरेस्ट कितना होगा, 400 माइनस में 200 हम कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया ब्याज, आ गया 200 रुपये ब्याज लगा है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास ब्याज आ गया तो इसका समय कैसे निकालेंगे, ये देखिए। अब देखिए दोस्तों, ब्याज यहाँ पे हमने निकाल लिया, 200 रुपये निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम निकालेंगे, टाइम किस तरीके से निकालेंगे उसका फॉर्मूला देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ब्याज गुना में 100/ मूलधन गुना में दर। तो यहाँ पे इसको रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ब्याज गुना में 100, ये मूलधन गुना में दर। ठीक है, ब्याज हमने कितना निकाला, 200 गुना में 100, मूलधन कितना था हमारे पास, 200 ही हमारे पास मूलधन था। हमने माना था ना कि माना कि शुरू के जो हमारे अमाउंट होगी वो 200 रुपये, और जमा में ये क्या, दर, दर कितनी है, 12%। अब 200 से 200 कट गया, अब 12 से जब हम 100 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8.33 यहाँ पे हमारे पास आएगा। और 8.33 को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, 8 साल और 4 महीने हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर डी आ जाएगा। तो इसी तरीके से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देंगे वो हमें करने होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, आप इन फॉर्मूले को याद रखना। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस तरह के क्वेश्चन जून 2019 के अंदर आए थे, और इसके अंदर क्या कहा जाता है कि इसके अंदर हमें एक सीरीज़ दे दी जाती है, जैसे 1 से लेके 50 तक, 100 से लेके 200 तक, और उनमें पूछा जाता है कि इनमें इवन नंबर का जोड़ क्या होगा या नेचुरल नंबर का जोड़ क्या होगा। तो इन क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, बिल्कुल आसानी से ये देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। इसने कहा है कि शुरू के 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से कंटिन्यू जो चलती जाए उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये कहते हैं कि 1 से लेके 50 तक जो संख्या है उनका जोड़ कितना होगा वो हमें बताना है। अगर हम ऐसे मैन्युअली जोड़ने लगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए इसे फॉर्मूले के थ्रू किस तरह से करेंगे, ये देखिए इन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अब बात आती है एन, एन यहाँ पे क्या होगा, एन वो होगा जो सबसे लास्ट की जो टर्म हमें दी हुई होती है वो एन एन होता है। अब देखिए इसमें ये फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, एन यानी कि 50 इंटू में एन प्लस में 1, यानी कि 50 प्लस में 1 यहाँ पे हमने कर दिया, और बटे में 2 हमने यहाँ पे कर दिया इस तरीके से। अब देखिए 2 से ये 50 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 25 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, आगे हम लिख लेते हैं 25 इंटू में 51 हो गया। ठीक है, अब 25 को 51 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 1275 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगते हैं ये सब करने में, लेकिन अगर आप मैन्युअली तरीके से करते हैं, जोड़ जोड़ के देखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमें फॉर्मूले भी याद होना ज़रूरी है। फाइंड द सम ऑफ ऑल फर्स्ट 50 इवन नंबर, यहाँ पे अगर इवन नंबर दे दिया जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, एन इंटू में एन प्लस में 1, इसका क्या होगा, 50 इंटू में 50 प्लस में 1। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 इंटू में 51, जब हम 50 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 2550 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। और अगर ये ओड नंबर की बात कर ले, यानी कि विषम संख्या की बात कर ले, तो उसका फॉर्मूला ये लगेगा, इवन वो होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 को हम इवन नंबर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादा बार तो नहीं आया है, अभी आया है, जून 2019 में आया, पहले इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये।
और आगे देखते दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा करीब 3 से 4 बार अभी तक आ चुका है और ये जून 2019 के एग्ज़ाम में भी आया था इस तरह का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 चीज़ें दी हुई होती हैं और उनमें पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ों से अलग है, वो हमें बताना है। अब इसमें जैसे लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना यहाँ पे दिया हुआ, हमें बताना कि कौन सा अलग है। यहाँ पे जो लखनऊ है दोस्तों वो सबसे अलग है, क्योंकि लखनऊ जो है गोमती के किनारे बसता है और ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना ये गंगा किनारे बसते हैं। तो इस तरह से हमें अलग देखना कि कौन सा अलग है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए दोस्तों, उदाहरण 48, एक शब्द का चयन करें जो समूह में दूसरे शब्दों से मेल नहीं खाता। अब देखिए यहाँ पे कैलेंडर है, तिथि है, मास है, दिवस है। अब यहाँ पे बिल्कुल आसानी से हम देख सकते हैं कि कैलेंडर, मास, तिथि ये सारे के सारे किसके अंदर आती है, कैलेंडर के अंदर आती है। ये जो तीनों बी सी डी कैलेंडर के पार्ट है, तो जो कैलेंडर है वो थोड़ा अलग हो जाएगा इससे। आगे की 49 नंबर उदाहरण है, निम्नलिखित ऐसे शब्दों का चयन करें जो समूह में दूसरे शब्दों से मेल नहीं खाते। अब देखिए मयूर दिया है, गिद्ध दिया है, हंस दिया है, चिड़िया दिया है। तो इसके अंदर जो हंस जो है, हंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, इन सब में केवल हंस ही जल पक्षी है, हंस क्या है जो पानी में तैरता है, लेकिन और जो है चिड़िया है, गिद्ध है, वो मयूर है, वो पानी में तैरते नहीं है। हाँ वैसे नॉर्मली तैर सकते हैं वो, लेकिन उनकी फितरत नहीं है तैरना, ज़्यादातर हंस ही पानी के अंदर तैरता हुआ हम देखते हैं। और इसके अलावा जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर कि इन्होंने दिया हुआ जैसे लोहा, कॉपर, अब जिंक के आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के अंदर रिलेशन देखना होता है, इन तीनों के अंदर भी हम रिलेशन देख सकते हैं क्या रिलेशन है, और फिर इसमें से देखते हैं कि कौन इनमें से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निकल और लोहा, पावर, जिंक, ये क्या है कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो ये क्या होगा, ठोस धातु होगी ये हमारी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन जो ए, बी और डी क्यों नहीं होगा, वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता। जो कार्बन जो होती है वो क्या होती है, गैस के रूप में होती है, और जो पारा जो होता है वो हमारा लिक्विड रूप में होता है। तो इस तरह से ये जो निकल जो है ये इन चारों से, तीनों से अलग है। तो यहाँ से हमें आंसर निकल जाएगा। अब आगे है दोस्तों हमारे पास आलू, गाजर, मूली। अब इन तीनों से देखते हैं कि कौन सा मेल खाता है। अब देखिए इसने दिया है टमाटर, पालक, तिल और मूंगफली। अब देखिए यहाँ पे आलू, गाजर, मूली ये तीनों के तीनों क्या है, ज़मीन के अंदर उगते हैं, यानी कि एज ए जड़ टाइप में होते हैं ये। इसी तरीके से जो मूंगफली है वो भी ज़मीन के अंदर उगती है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जिनकी संभावना बनती है आगे आने की। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।